जवानी में सी दिल की कह कहे शादवानी, हमेशा हसीनों से आंखें लड़ानी, सदा कामयाबी सदा कामरानी, बहुत याद आती हैं बातें पुरानी। अब हमारी जवानी का किस्सा 11 सितंबर से बड़ी आफत है या नहीं, इसका फैसला तो जॉर्ज बुश ही करेंगे, मगर मुझे इतना याद है कि अय्याम तिफली से ही फिदवी 20 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन की गोद में जाने से इनकारी रहा। कॉलेज से ये कहकर वापस भेज दिया गया कि आपके बेटे को लड़कियों के साथ बैठने की आदत है। वालदा ने ज्यादा सरजरिश नहीं की, शायद उन्हें यही शिकायत वालदे ने मोहतरम से दी। अगर अब्बा जान बवजह पेशा सिपाहगिरी मुझे ये जमहूरी आजादी देने के कायल नहीं थे, उनकी इसी नायत के बायस फिदवी को एजुकेशन की नेमत से हमेशा महरूम रहा। खैर, मैट्रिक करने के बाद नेवी से मुंसलिक हुए और उसके बाद हिम्मत का अलम मौजों पे कदम। नेवल अकेडमी के आसपास सिंफे नाजुक का वजूद उतना ही नापैद था जितना रीमा के रक्त से आजा की शायरी, और हर खाने के मेज पर इस सिंफ के जिस्मानी ख्वाहिश पर इस तफसील से रोशनी डाली जाती कि मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं कुछ रोज और इस सोहबत में रहा तो जन्नत के दरवाजे हमेशा के लिए मेरे पे बंद कर दिए जाएंगे। खैर, ट्रेनिंग से फारिग हुए, जान छुटी और फिर वो दिन रात कुए निगारों के फेरे, वो कमरे फिरोजा वो जीने अंधेरे, वो जुल्फों के हल्के वो बाहों के घेरे, वही वो दरवाजा के रातें जितानी, बहुत याद आती हैं बातें पुरानी। वो सर्दी की रातें वो जाड़े का जोबन, लिहाफों में कम सिन दिलों की वो धड़कन, छुड़ाना वो हाथों से हर बार दामन, वो आंगन में महकी हुई रात रानी, बहुत याद आती हैं बातें पुरानी। और फिर तरफा तमाशा ये कि हमें अहबाब भी वो मैसर आए कि जो ओबाशी और इखलाक पाख्तगी में एक नए मकतबा फिक्र के बानी है। एक साहब यूसुफ के नाम का असर शक्लो सूरत पर बिल्कुल नहीं, शक्ल इसे यकसर पा, नर्सों से खास रगबत रखते हैं। एक दिन फरमाने लगे कि मैंने एक नर्स से पूछा कि नौकरी कैसी चल रही है, तो कहने लगी सर नौकरी का क्या है, सारा दिन यस्सर यस्सर करते गुजर जाता है और सारी रात नो सर करते। असल है बहिश्त मकी, उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं, बहुत बार रिहर्सल की। खैर, वो जमाना तो यूं गुजरा कि रात को ये आलम होता था कि दी मुअज्जन ने शबे वसल अजां पिछले पहर, हाय कमबख्त को किस वक्त खुदा याद आया। और दिन को ये रूटीन थी कि जहां लड़की देखी पीछे पीछे चल पड़े, खूबसूरती कोई शर्त नहीं, लंबा चौड़ा ताल्लुक रखना नहीं। शायर मशरे का खुद फरमाया कि जो कबूतर पर झपटने में मजा है ऐ पिसर, वो मजा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। खैर, हमारा किस्सा जवानी मुल्की मसाइल पर ही महदूद रहता अगर हुकूमत वक्त हमें बाहर ना भेजती, तो वहां जाकर हमने देखा कि हमको तो मैसर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। जहां जाओ यूं महसूस होता था कि बेवॉच की शूटिंग चल रही है। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर अंग्रेज ने हम पे 100 साल हुकूमत की है तो उसकी गैर सियासी वजूहत मीर जाफर और मीर सादिक के अलावा कुछ और भी थी, कि अर्ज़े कलीसा का हर माहवारा सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाए कतर के देखते हैं, सुना है चश्मे तसव्वुर से दश्ते इमगा में पलंग जाविये उसकी कमर के देखते हैं। तो हमारी इस कसरत इख्तलात से जलस और हसरत इख्तलात में मुब्तला चंद सीनियर्स ने कहा कि ठीक है ऐशी कर लो, मगर याद रखो कि एड्स बहरहाल लाइलाज मर्ज है। अगर मैंने इस चीज का कोई गम नहीं लगाया, कोई हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं की, क्योंकि मोमिन है तो बेतैख भी लड़ता है सिपाही। उसके बाद वो शबो रोज यूं गुजरे, बंदे के चलना कि कश्ती चली जाए जैसे कमानी, बहुत याद आती हैं बातें पुरानी। सजी खिलवतों में कभी शोले मीना, वो महबूबाए खुश अदा खुश करीना, कभी उसके हाथों से जिद करके पीना, कभी अपने हाथों से उसको पिलानी, बहुत याद आती हैं बातें पुरानी। खैर, यूरोप से वापसी पर मायूसी तो बहुत हुई, मगर जल्द ही दूर भी हो गई, क्योंकि माशाल्लाह हमारा मुल्क भी किसी से पीछे नहीं है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरफेज है साथी। और डिश और केबल ने वो नमी तो फराहम कर ही दी है, इसीलिए अब साइमा और पमीला एंडरसन की जिस्मानी मुमासिलत के मवाजने के लिए आपको चश्मे बीना की जरूरत नहीं है। खैर, मैं इस किस्से को तूल दूं तो शबे फिराक और समेट लूं तो दिले आशिक, लेकिन वो गए जमानों की बातें हैं। अब तो बस इतना ही कहना है कि अब न वो दिल की नादानियां हैं, न वो हम, न वो बज़्म सामानियां हैं, न वो दोस्तों की गुलफशानियां हैं, न वो फिक्रे रंगीन की झोलानियां हैं। गई शेर गोई रही नोहा खानी, वो बीती जवानी।